हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SNF टेक एंड एडिटिंग चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पिकनिक पर जाते हो या कहीं घूमने जाते हो या बीच पर जाते हो, आपके वहाँ पर फ़ोन चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप वहाँ पर अपने फ़ोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और आपके ये जो पावर की बटन की सिक्योरिटी है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे बचा सकते हो चोरी होने से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वाले बेल का आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं एक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ, जिसको आप मैं लास्ट में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे पैटर्न पिन, और यहाँ पर आपको पैटर्न चूज़ कर लेना है या फिर पिन लॉक। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट कर देना है, देखिए कंफर्म करना है दोबारा, ये मैंने कंफर्म कर लिया है वहाँ कोई सा भी पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको एक रिकवरी के लिए मांगेगा पासवर्ड। अगर आप अपना पैटर्न या पिन भूल जाते हो तो यहाँ पर कोई भी नाम डालकर आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर कस्टम है, यानी कि अपना कोई क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। बाकी तो यहाँ फूड, सिटी और कुछ भी है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आंसर में आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं, ताकि आप पासवर्ड भूल जाए तो ये नाम डालकर आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ SNF, तो यहाँ पर इसको डन कर लेंगे। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखा रहा है, पावर लॉक, एडवांस सिक्योरिटी और लॉक ऐप। तो यहाँ पर आप इसको परमिशन दे देंगे लॉक पर क्लिक करके, और ये हमारी परमिशन हमारे फ़ोन में अच्छे से रन करेगी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप इसको एप्लीकेशन को भी लॉक कर सकें। देख लीजिए, यहाँ पर एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो यहाँ पर आप इसको ऐप लॉक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप कोई सा भी एप्लीकेशन को इससे लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे एडवांस सिक्योरिटी में। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक सी सेटिंग कर लेनी है, जैसे कि अगर हमारा कोई फ़ोन चुरा लेता है, उसको लॉक करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर वो सेल्फ़ी ले लेगा। यहाँ पर इंट्रूडर सेल्फ़ी को हम ऑन कर देंगे, यानी कि अगर आपके फ़ोन में कोई 3 बार गलत पासवर्ड डालता है, उसकी फ़ोटो खींच कर आपके ईमेल पर पहुँच जाएगी जीमेल पर। तो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर लेते हैं फ़ोन लॉक की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अटेम्प्ट जो है मैक्सिमम 3 रखने हैं। यहाँ पर साउंड अलार्म है, ये वाइब्रेट है, तो ये सब पेड है, यानी कि आप इसको पैसे देकर ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो लॉक की हमारी सीमा है, वहाँ पर हमको 3 बार रख लेना है, और यहाँ पर इसका टाइम लिमिट 30 सेकंड कर देनी है। अगर आपका फ़ोन में कोई 3 बार गलत पासवर्ड डालता है तो उसकी फ़ोटो खींच जाएगी। तो चलिए, हमारा पूरी सेटिंग हो गई है, तो चलिए हम इसको स्विच ऑफ़ करते हैं। देख लीजिए, अब स्विच ऑफ़ करने से पहले यहाँ पर आपको पासवर्ड मांग रहा है। अगर हम गलत पासवर्ड डालते हैं, ये हमारा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा। अगर हमारा वो बैटरी भी निकालता है, तो हमारा ये पासवर्ड ज़रूर चाहिए ऑन होने पे या ऑफ़ होने पे। तो चलिए, अब देख लीजिए, हम इसको ऑफ़ तो करना ही है। तो देख लीजिए, मेरा फ़ोन बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं होगा। अगर मेरा फ़ोन कोई चुरा लेता है तो उससे फ़ोन मेरा ऑन ऑफ़ होएगा ही नहीं। अगर ऑफ़ करेगा तो वो पासवर्ड की ज़रूरत होगी। चलिए, अब इस एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। तो चलिए, अब आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर डालना है आपको लॉक IO। तो यहाँ पर लॉक IO आ जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू।